आरती राजभर का कातिल उसका प्रेमी निकला। उमा पुलिस द्वारा दिनांक 4/1/2022 को ग्राम अवाया में मिले शव से संबंधित घटना का सफल अनावरण करते हुए एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया बेलथा रोड से, जहां 4 जनवरी को थाना उभाव अंतर्गत ग्राम अवाया के पास छोटी माइनर में एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त आरती पुत्री शिव नारायण राजभर निवासी ग्राम चौकिया के रूप में की गई थी। जिस संबंध में थाना उभाव पर मुकदमा अर्जी संख्या 5/2022 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। बलिया पुलिस के अनुसार अंचल राजभर सनाप सूरज निवासी रामपुर कानून गोयान थाना उभाव बेलथा बाजार चट्टी के पास से समय लगभग 4:15 में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त अंचल राजभर द्वारा बताया गया कि मेरी बुआ की लड़की रीना की ससुराल निवासी चौकिया थाना उभाव में थी, जहां मैं अक्सर आता जाता रहता था। मेरा रीना की ननद मृतिका आरती से संपर्क हो गया था। इसी बीच मेरे द्वारा एक मोबाइल व सिम मृतिका आरती को चोरी से दे दिया था, जिससे आपस में हम लोग बातचीत करते थे। इसी बीच मृतिका आरती को उसकी छोटी बहन पूजा व भाई गुड्डू ने बात करते हुए पकड़ लिया था। बहन भाइयों में मारपीट हुई थी, फिर भी वह चोरी से मौका निकालकर मुझसे बात करती थी। दिनांक 2/1/2022 को मुंबई से घर जाने के लिए निकला, इस बात की मृतिका आरती को जानकारी थी। दिनांक 3/1/2022 को गोदान एक्सप्रेस से बेलथा रोड स्टेशन उतरा मृतिका आरती मिलने के लिए जिद करने लगी। वह कहने लगी, अगर नहीं मिलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रात करीब 10:30 पर मृतिका आरती ने मुझे फ़ोन करके अवाया पावर हाउस के पीछे बगीचे में बुलाया। उसके बाद हम दोनों बड़ी नहर की तरफ से खेतों में होते हुए एक छोटी माइनर तक पहुंच गए। उसके बाद मृतिका मुझसे शादी करने की जिद करने लगी। मैंने कहा कि जहां पर शादी तय है उसी से शादी कर लो, मगर वह मेरे से शादी करने की जिद करने लगी। काफ़ी समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी, तो मैं उठकर जाने लगा तो मुझे पकड़ ली। उसी छीना झपटी में हम दोनों नहर के गड्ढे में चले गए। पानी में गिरते ही मैंने उसके मुंह को जबरदस्ती पानी में दबा दिया। कुछ देर बाद उसकी सांस रुक गई। मैं घबरा गया। मौके से मृतिका आरती के द्वारा लाया गया टिफिन चप्पल को नहर के थोड़ा आगे फेंक दिया। वह मोबाइल को साफ लेकर चला गया। वह सिम को भागते समय कहीं तोड़कर फेंक दिया। आज पुनः मुंबई भागने की फिराक में था कि पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह, कांस्टेबल शिव शक्ति, भानु पांडे, अविनाश शर्मा थाना उभाव शामिल रहे। भारत मीडिया के लिए इस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। 4 जनवरी को एक अज्ञात युवती का शव मिला था। उसकी पिता की तहरीर पर धारा 302 में थाना उभाव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। SP बलिया सर द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। उनकी टीमों के द्वारा सर्च ब्रांच का यूज करते हुए और अन्य मुखबिरी का उपयोग करते हुए आज सुबह 10 तारीख को 4:15 पर आंचल राजभर, जो वहीं अंचल राजभर जो कि रामपुर कानून गयाना का रहने वाला था, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण यह बताया गया है कि इसका मृतका से बातचीत होती थी और मृतका से बातचीत के दौरान शादी को लेकर विवाद था। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मृतका से इस अंचल राजभर की मुलाकात हुई और उसने शादी को लेकर में आपस में झगड़ा हुआ। उसी के दौरान उसने धक्का दिया और वो नहर में पानी में गिर गई, जिसमें अंचल राजभर द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाए। सर कोई खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।